तो भाई वेलकम बैक टू द चैनल। और ठंड की भाई पहला फॉग चेक कर लो भाई, एक नंबर फॉग हो रखा है आज। देख लो भाई दिल्ली गाजियाबाद वाले रोड पे भाई, जो एलिवेटर रोड है, जो लोग यहाँ से जाते होंगे उन्हें पता होगा एलिवेटर रोड का। और भाई देख लो क्या विजिबिलिटी रहती है, और आज की विजिबिलिटी चेक कर लो भाई यहाँ पे। ओ बहन की आँख भाई, भाई किसी ने बाबू करा रात में यहाँ पे, टुकी होगी भाई किसी की। यार देखो अब फॉग वॉग में तो देखो यार क्या कह सकते हैं। ये देखो पीछे से गाड़ी आ रही है, इसकी एक आँख फूटी हुई है। और देखो भाई साहब फुल टॉप गियर में, वो देखो बैन जुदी पड़ी है पूरी गाड़ी, बैन की आँख इसकी। तो भाई देखो गाड़ी मेंटेन भी करके रखनी चाहिए, थोड़ा कार लवर्स बनो यार इंडिया वालों, थोड़ी गाड़ी को मेंटेन करके रखा करो। तो भाई देखो आपको सुबह सुबह फॉग के दर्शन करा रहे हैं, देखो अपनी गाड़ी के शीशे भी देखो वैसे होते जा रहे हैं ना, फॉग आता जा रहा है, वो अंदर ओस बन रही है अब शीशों पे। और ये देखो भाई सामने वो देख रहे हो भाई, राइट में जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है सब एकदम नॉर्मल स्पीड में आ रही है, कोई गाड़ी को उड़ा नहीं रहा, भगा नहीं रहा। तो भाई ये भी चीज़ ज़रूरी है, अच्छी बात है, मत उड़ाओ धीरे चलाने से भाई, यही है एक्सीडेंट रेशोज गिरते हैं यार, लाइफ इज प्रीशियस। और ये देखो भाई भाई पूरा एक नंबर हो चुका है यार, कुछ नहीं दिख रहा भाई, देख रहे हो। तो भाई देखो कोई बाइक स्कूटी पे आ रहा हो, मेरा भी प्लान यही था, मैं भी बाइक लेकर आने वाला था। और ये देखो भाई शीशे पे ये देखो वाटर ड्रॉप्स गिरने लगी हैं, वो आपको जस्टिफाई नहीं होंगी पर मेरे को दिख रही हैं। तो भाई ठंड हो गई है एक नंबर, मतलब मज़ा आने वाला है अब दिल्ली में। अब शिमला विमला मनाली जैसे ही लोग निकले हैं ना, तो ये समझ लो भाई दिल्ली में मज़ा आने वाला है। तो भाई चेक दिस आउट भाई, एक नंबर, ओ माई गॉड। भाई हमें भी थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा, तो आप फॉग के मज़े लेते रहो। देखो पीछे तो कोई भी नहीं आ रहा हमारे, वरना इंडिकेटर कुछ दिखता। पर देखो भाई अच्छी बात ये भी है, गाड़ियों में जब DRL अब देने लगी है ना, कंपनी वाले जो DRL देते हैं, तो वो भी अच्छी चीज़ है अब। चलो कि DRL से ये थोड़ा सा बेनिफिट रहता है अब। अब ये देखो भाई सामने ना राइट हैंड पे मेरे कट आ रहा है, और देख लो भाई कितनी पास आके विजिबिलिटी का पता चल रहा है। बस यही है यार कि देखो मेरा क्या ना, अब ये डेली का जैसे रूट है कि मतलब मैं आता हूँ तो मेरे को पता है यहाँ पे कट है, मगर देखो जो बंदा नया आ रहा है तो भाई उसके लिए भाई बिल्कुल आराम से आओ भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है। बहन क्या आधा घंटा लेट पहुँच जाना, कोई गाली वाली दे गाली वाली खा लेना, पर बहन क्या कोई वो मत करना भाई, लाइफ से खिलवाड़ नहीं। और ये देखो भाई यहाँ पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं, मगर ठंड इतनी है आज, उन्होंने भी छुट्टी बना रखी है अपनी भाई। पूरा ही है यार, मेरे को तो लगा था एलिवेटर रोड पे ही होगा बस, पर ऐसा नहीं है भाई, पूरे में ही कोहरा है। चेक दिस आउट यार, चेक दिस आउट, वो देखो बाइक पे बंदा जा रहा है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ यार, मतलब पहले ना ऐसी चीज़ें होती थी कि ना ये चीज़ें हमारे को सितंबर में महसूस होने लग जाती थी, और दिसंबर आते आते तो भाई साहब पूरे ठंड के मज़े ले चुके होते थे हम। मगर यार इस बार पता नहीं क्या है, ठंड ही नहीं पड़ रही यार, ऐसी हो गई है अब ठंड का ना मज़ा नहीं रहा अब वो पहले वाला। तो अब थोड़ा बहुत जो भी है भाई वही ले सकते हैं, और तो क्या ही है ज़िंदगी में। देख लो भाई ये देख रहे हो, ये देखो भाई सबसे गाड़ियों से देखो भाई डिस्टेंस बनाकर चलो, क्योंकि भाई देखो किसी की ड्राइविंग स्किल्स आप कह नहीं सकते, ठीक है, कि कौन कैसे चलाता है कौन कैसे नहीं चलाता। तो भाई दूरी बिल्कुल बनाए रखो गाड़ियों से, बिल्कुल एकदम दूर दूर होके चलोगे तो भाई देखो अपनी सेफ साइड रहेगी। बाकी देख रहे हो ना कोहरा, देख रहे हो ना तो देख रहे हो, बेलिनो वाले ने भी अपनी गाड़ी के पार्किंग इंडिकेटर जला दिए, तो भाई जला के अच्छा करा यार, अभी नहीं जल रहे थे अभी जलाया बंदे ने। और वो देखो दूसरी साइड पे, वो देखो सामने देख रहे हो वो देखो वो वैन वो जा रही, राइट टर्न लिया उनने अभी, तो देख लो भाई सिस्टम है यार। तो भाई अभी पीछे मामू भाई आ गए थे तो मुझे फ़ोन रखना पड़ा, वरना वो पता चलता वीडियो बनाने का ही चलान कर देता कि गाड़ी चलाते हुए। देखो भाई ये देखो भाई ये देखो पानी की बूंदें गिर रही हैं, दिख रही है, ये देखो देख रहे हो, ये देखो भाई बाहर ना सिस्टम हैंग हुआ पड़ा है एकदम, बहन चो एक नंबर वाली ठंड पड़ रही है भाई बाहर, पर मेरे को मज़ा आ रहा है भाई। देखो मैं आपको बताता हूँ तुम्हारे भाई को ना दो तीन चीज़ों में बहुत मज़ा आता है, एक तो फॉग में गाड़ी चलाने में, दूसरा बारिश में गाड़ी चलाने में, मतलब सपने ही आंड पलांड है भाई हमारे, सपने ही ऐसे हैं कि मतलब बहन जो दुनिया कहती है कि बचो, और हमें क्या लगता है हो तो करो। तो भाई अब देखो इस गाड़ी से थोड़ा दूरी बना लेते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट वाले बंदे ने हमें जगह नहीं दी ओवरटेक करने के लिए।
भाई ये देखो बेचारा ठंड में भाई जा रहे हैं। तो भाई देखो मेहनत करने वाला बंदा ना बाइक पे भी जाता है यार, ऐसी बात नहीं है। देखो मेरे पास गाड़ी का ऑप्शन ना होता भाई मैं भी डेली बाइक पे जाने वाला बंदा हूँ। ओ बहन चूत भाई गॉन फॉड एक्सीडेंट हो रखा था वहाँ पे। तो भाई यही तो रीज़न है इसलिए तो कि भाई लेट पहुँच जाओ कोई दिक्कत नहीं है। बट मगर ये देखो इन जैसे बहन के लौड़ों के चक्कर में ना जो रॉन्ग साइड आते हैं बाइक वाइक लेके भोसड़ी का बताओ उधर आ रहा है चूत मरानी का, अब उधर से चला जा। भाई यार तुम्हें लग रहा होगा तुम्हारा भाई गाली दे रहा है कितनी गलत बात है, मगर भाई एक बात सोचो किसी की ज़िंदगी से बढ़ के नहीं है मेरी गाली, बाकी मेरे को तो मज़ा आता है। मैं अपने दिल को ठंडा कैसे देता हूँ भाई, मैं दूसरा वो देखो देखा भाई वैगनार नहीं दिखी थी वो बैटरी रिक्शा जा रहा था। तो भाई देख लो ये देखो पानी की बूंदें पड़ रही है, ये देखो इसी चक्कर में नहीं लाया था भाई मैं बस आज ना अपनी बाइक। और ये देखो भाई HP की गाड़ी यहाँ चल रही है, बताओ ये यहाँ मज़े लेने आया है, मौसम इसके यहाँ बन रहा है ये हमारे यहाँ मज़े लेने आ रहा है। और चलो कोई बात नहीं, यू कैन एन्जॉय आर डेली। तो भाई देख लो कोहरा बहुत है यार, मतलब बहुत है। तो चलो भाई अब हाईवे थोड़ा ख़त्म हुआ है, अब अपन गाड़ी पे कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। तो अभी जाते हुए दिखाएंगे अगर दोबारा कोहरा हुआ तो। तो लो भाई टाइम देख लो 11 बज रहे हैं और कोहरा हट नहीं रहा है, मज़ा आ रहा है बहन की आँख। तो भाई ये वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, इसको हम डिले नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो दिल्ली का ज़रा हालचाल आपको कैड़ाई करके दे दूंगा, देख लो भाई। तो ये भाई वो देखो भाई बुलेट में से क्या मस्त करके धुआं निकल रहा है ना, एक नंबर बातचीत आ रही है। ये देखो इधर भी एक नंबर बातचीत आ रही है, सब हमें घूरते रहते बेमतलब पे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों काले शीशे लेके घूम रहे हैं। यार देखो मैं सही बता रहा हूँ कोई उंगल वंगल नहीं है, बस मेरा थोड़ा सा अपना मन है भाई। देखो मैंने पैसा लगाया है गाड़ी ली है तो मैंने अपने शौक पूरे करने के लिए, और ये मेरे शौक का एक पार्ट है भाई। थोड़ा बहुत तो अपना सिस्टम है, ठीक है समझ रहे हो ना, मतलब अब सिस्टम पार देंगे इसका मतलब ये है।